अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, मेडिसन के हवाले से एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ और एक नई टेबलेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम वाइट्रम टेबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइट्रम टेबलेट आया कि क्या चीज़ है, इसकी फार्मूलेशन में क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस पर्पज़ के तौर पर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेडिसिन के फ़ायदे क्या हैं और किन सूरतों में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की फार्मूलेशन की बात करें तो ये एक मल्टीविटामिन प्रोडक्ट है। इसके अंदर मौजूद ढेर सारे विटामिन मौजूद हैं। इस मेडिसिन के अंदर बहुत सारे विटामिन शामिल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अंदर मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ई और इसके अंदर मौजूद बायोटिन जैसा फार्मूला भी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद कैल्शियम भी मौजूद है, फोलिक एसिड, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटाशियम, फास्फोरस और इस तरह के तमाम मल्टी विटामिन इस मेडिसिन के अंदर मौजूद हैं। इस मेडिसिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इस मेडिसिन के अंदर मौजूद विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है जो कि हमारे हाजमे को सेट करता है, ये हमारे हाजमे को ठीक करता है और जिन लोगों को भूख वगैरह ना लगती हो या खाने वगैरह की तबीयत ना होती हो वह इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा उन लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो, यानी कि जिन लोगों को बहुत जल्दी बीमारियां अटैक कर लेती हों, उन लोगों के लिए उनके मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को सेट करती है। जिन लोगों को पट्ठों का मसला हो और कमर दर्द वगैरह का इशू हो, उन लोगों के लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। पट्ठों के खिंचाव के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी ताकत के लिए ये मेडिसिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ सर्वी एक बीमारी का नाम है जो विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाती है। अल्लाह हम सबको इससे अपने हिफ्ज़ो मान में रखे इस बीमारी से। जिन लोगों को खुदा न ख्वास्ता इस तरह की बीमारी हो जाए तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद विटामिन सी है जो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इस बीमारी से इंसान इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और उसकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, जिसकी वजह से थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। वाइट्रम टेबलेट के अंदर शामिल विटामिन सी है जिसके लेने की सूरत में आप इस बीमारी से बच सकते हैं। वाइट्रम टेबलेट के अंदर विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी के लेने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के तमाम मसाइल से जिनका आप शिकार हैं विटामिन सी की कमी को दूर करके। इसके अलावा ये मेडिसिन उन लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है जिनके बाल गिरते हैं या जिनके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उनके लिए ये मेडिसिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इस मेडिसिन के अंदर मौजूद जिंक और बायोटिन जैसा फार्मूला शामिल है। जिंक जिसकी कमी की वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं, और इस मेडिसिन के अंदर मौजूद जिंक और बायोटिन ये दोनों फार्मूले कामनली हर एक मेडिसिन में नहीं पाए जाते, लेकिन इस मेडिसिन की खसूसियात ही यही है कि इस मेडिसिन के अंदर जिंक और बायोटिन दोनों फार्मूलेशन शामिल है। आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों की किसी भी बीमारी के मुतालिक। उसी के साथ ये मेडिसिन हड्डियों की ताकत के लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर मौजूद विटामिन D3, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 मौजूद है और मल्टी विटामिन का जो ये कंप्लीट फार्मूलेशन है, इसके अंदर ये तमाम विटामिन शामिल हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद हैं। किसी भी किस्म की बीमारी के लिए या कमज़ोरी की सूरत में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन करने वाली माएँ ख्वातीन ख़ास करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके अंदर विटामिन की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वाइट्रम टेबलेट इंतहाई ज़्यादा मुफीद है और सेफ़ मेडिसिन है। इस मेडिसिन की डोज़ की बात करें तो ये 18 साल से ऊपर हर शख्स ले सकता है इस मेडिसिन को, जिसको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कमज़ोरी हो, कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो या पट्ठों का मसला हो या हेयर फॉलिंग का इशू हो, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्रेगनेंसी के दौरान ख्वातीन इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए इंतहाई ज़्यादा सेफ़ मेडिसिन है।
मेडिसिन एक टेबलेट रोज़ाना आप दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों के लिए ये मेडिसिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। जैसे मर्दों की जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इंतहाई ज़्यादा मुफीद और अच्छी मेडिसिन है और ये आप सब आसानी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत भी बहुत कम है और आप किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से इसको ख़रीद सकते हैं। जहाँ जिन मेडिसिन के इतने सारे फ़ायदे बताए जाते हैं उसके साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। इस मेडिसिन के लेने की वजह से आपको किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके लेने की वजह से आपको बदहज़मी, कब्ज़, दस्त और वॉमिटिंग वगैरह और बड़े पेशाब का रंग चेंज तब्दील हो सकता है। इस तरह की बीमारी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको इस मेडिसिन के लेने के बाद मुसलसल इस तरह की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं तो आप मेडिसिन को तर्क कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तमाम तर मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, ना कि आपको प्रिस्क्राइब करना होता है कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने पिछली वीडियो टर्सिका यानी डेक्स आइबुप्रोफिन पर बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।